अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया और नबील का झगड़ा हो जाता है। जोया शदीद गुस्से में घर आती है तो परवीन उसके लिए जूस लेकर जाती है। जोया पहले तो जूस का गिलास नीचे फेंक देती है और फिर परवीन से बदतमीजी करती है और कहती है कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से। जोया के इस रवैये पर परवीन बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है। इतने में नूर वहाँ पर आती है और वो अपनी वालदा से पूछती है कि अम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? इस पर परवीन कहती है कि मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। उधर जोया अपनी दादी के पास जाती है और उसको नबील के बारे में बताती है कि नबील मुझे पसंद नहीं करता। इस पर जोया की दादी कहती है कि तुम तो उसे पसंद करती हो ना। इस पर जोया कहती है लेकिन मेरे पसंद करने से क्या होगा दादी, इससे वो मेरा हो जाएगा क्या? इस पर जोया की दादी कहती है कि वो तुम्हारा ही है, तुम दोनों का रिश्ता बचपन से तय हो चुका है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इस पर जोया कहती है मगर दादी नबील तो कहता है कि उसको शादी नहीं करनी। जिसके बाद आप देखेंगे कि नबील जोया के घर आया होता है। नूर का पैर फिसल जाता है, उसके पाँव में मोच आ जाती है। नबील उसको संभालता है और उसको पकड़कर कमरे में ले जा रहा होता है। इतने में जोया वहाँ पर आती है। वो उन दोनों को देखकर गुस्से से कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो नूर को पीछे धक्का देते हुए नबील से कहती है दूर रखो इसे, ये कहकर वो नूर को मारने दौड़ती है। नबील जोया का हाथ पकड़ लेता है तो जोया नबील से कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। इस पर नबील उससे कहता है कि जोया तुम्हें क्या हो गया है, इसका कोई कसूर नहीं। इस पर जोया कहती है कि नबील तुम इसकी तरफदारी मत करो। जिसके बाद आप देखेंगे कि नबील जोया को समझाता है कि जोया जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। इस पर जोया कहती है कि नबील तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ, ये छोटे लोग इसी तरह हमको अपने जाल में फंसाते हैं। इस पर नबील कहता है कि जोया तुम गलत समझ रही हो, नूर ऐसी लड़की नहीं है। इस पर जोया कहती है कि वो लड़की तुम्हारे करीब आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद आप देखेंगे कि लैला नूर को अच्छे से समझती है। नूर लैला से कहती है कि मेरे दर्द का एहसास जो मेरी माँ को होना चाहिए वो आपको हो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।